शुबा इस्लामियात के ज़ेरे तमाम ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्किदा महफिल मिलाद में तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद में तालिबात ने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर गुलहाए अकीदत पेश किए। दुरूद व सलाम की सदाओं से महफिल पर वश तारी हो गया। कॉलेज की प्रिंसिपल आबदा तनवीर का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनों दुनिया में कामयाबी और सुरखुरूही का पैगाम लेकर आए। उन्होंने अमन सलामती और इंसानियत की भलाई का दर्स दिया। नबी करीम का फरमान है कि जब तक कि मैं हर मुसलमान को उसकी जान और माल से ज़्यादा अजीज नहीं हो जाता, उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो हम चाहते हैं पहले उनके लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो, जब मोहब्बत पैदा होगी फिर उनकी तालीमात में अमल करेंगी और फिर अमल करके अपने दीन और दुनिया संवारेंगी। महफिल मिलाद में पीर सैयद मुकद्दस काजमी, पीर सैयद नवीद कमर शाह और हाफिज मोहम्मद अजहर सहरवर्दी ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया तबरुक पेश किया। पीर सैयद मुकद्दस काजमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में माँ की अजमत को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। माँ दा प्यारो दिसदा रब्बा दूजा रूप है तेरा, माँ दा प्यारो दिसदा रब्बा दूजा रूप है तेरा, बेअदब जो माँ दा होवे बख्शा जावे ना। दीनों दुनिया की भलाई सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर ही नसीब होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम बनी नौ इंसान के लिए मशले राह हैं। मुझको कुछ और नहीं, मुझको कुछ और नहीं, जश्ने ईद मिलादुल नबी आलम इस्लाम के लिए खुशी और मुसरत का पैगाम लेकर आता है। महाफिल के इनेकाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां मनाने के साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि वजह तख्लीक कायनात में हम इनकी तालीमात पर किस हद तक अमल कर रहे हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42।